2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से दलित समाज का जो वोट था वो कहीं ना कहीं छिटक कर बीजेपी को न जाकर जोर शोर से यानी कि गठबंधन की तरफ वोट गया था। और मेरी मौजूदगी बरेली के जाटापुरा में, जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये जाटापुरा मोहल्ला है और जहाँ जाटा समाज के 9 से 10 हजार वोट है। पीछे तस्वीर देख सकते हैं, तमाम जो जाटा समाज के लोग बैठे हुए हैं वो अपने बातें आ रहे हैं। इस बार हम ये जानेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में तो गठबंधन की तरफ वोट गया और क्यों, 2027 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, तो बरेली के जाटो समाज के लोगों का अब क्या मन है कि वो बीजेपी की तरफ के लिए उनका मन दोबारा से बनना है या बीजेपी से उनका मन अब हट चुका है, वो किधर के लिए क्या उनके दिल में है, ये जानने के लिए हम जाटापुरम पहुंचे हैं। क्या नाम है भैया आपका? विक्की सागर। विक्की सागर, क्या करते हैं सागर साहब? हम रेस्टोरेंट जॉब। रेस्टोरेंट, थोड़े आगे बढ़िया। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे 2024 का भी चुनाव हुआ था तो आपको जाटा समाज के जो दलित वोट था वो कहीं ना कहीं गठबंधन की तरफ जाते हुए नजर आया। जी बिल्कुल सही बात है। तो अब क्या लग रहा है, 2027 का चुनाव भी नजदीक है। हाँ, तो बीजेपी को नहीं चाहते। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने सब कुछ छीन लिया। क्या छीन लिया? रोजगार भी छीन लिया। रोजगार भी छीन लिया। सबसे पहली बात तो रोजगार ही छीन लिया उन्होंने। और महंगाई इतनी कर दी है, क्या रहा है उनके पास? किस बात पर वोट दे उनको, बताइए आप। तो कहीं ना कहीं 2027 नजदीक है, अब क्या माना जाए आपके लिए? राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी जी। तो यूपी में उनका गठबंधन होगा तभी तो राहुल गांधी। अगर नहीं भी हुआ तो भी राहुल गांधी ही पसंद है। अच्छा, वो तो अब तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन है ना उनका। हाँ, तो अब तो समाजवादी पार्टी हो या राहुल गांधी हो, आना इस बार राहुल गांधी के लिए है। तो अखिलेश को पसंद करेंगे? अखिलेश बैठे हैं या राहुल गांधी बैठे, दो में से एक तो बैठे इस बार। अच्छा, कि इस बार जो संविधान जैसी इस तरह की बातें चली उसको लेके भी नाराज हैं आप? बिल्कुल सही बात है। अगर इस बार ऐसा नहीं हुआ होता कि गठबंधन को वोट नहीं जाता तो हो सकता आरक्षण ही खत्म कर देते। अच्छा, ऐसा था? हाँ, मोदी जी हम लोगों के विरोध है। बिल्कुल। अच्छा, आप लोग मोदी के विरोधी हैं? हाँ जी। तो पहले तो देखते थे कि अच्छा वोट मांगना जाता बहन जी के बाद में। हम बहन जी को भी नहीं पसंद करते, उनने क्या करा। हाँ, हम लोग बहन जी को भी पसंद नहीं करते। क्या कह रहे आप? हम तो बहन जी को, मायावती को अभी चाहते हैं। अच्छा, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, उनके ऊपर तो खाली मुझे ब्लेम रखते हैं, ब्लेम रखते हैं बेमतलब का है, और इसीलिए उनके ऊपर उनको लिए बिना फायदे में दागे बनाया गया है, उनको दागे बनाया गया है। तो उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया आज तक। अच्छा, कोई बता दो। हाँ बता दो, उन्होंने कभी गलत काम किया हो? अच्छा, कोई गलत काम नहीं। अच्छा, जिस तरह से गठबंधन के लिए इस बार जो वोट हुआ था, अब 27 का चुनाव भी ऐसा है, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे सरकार बीजेपी की चल रही है, कहीं ऐसी बातें होती हैं, आदमी दुखी हो जाता है कि उन्होंने कहीं कोई नए नए कानून निकालते हैं, ये बनवाओ वो बनवाओ। जैसे हम कंट्रोल में राशन लेने जाते हैं, 50 तरीके के क्या अंगूठा लगाओ। तो ये नीति सही नहीं है कि बीजेपी की? क्या सही है? वो फ्री राशन दे रहे हैं, मानते हैं, मानते हैं, फ्री दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं, उम्मीदों से ले रहे हैं। अरे ये कुछ नहीं। एक बात बताओ, सिलेंडर पहले कितने का लेते थे? 350 रुपए का। आप कितने का? वो सब चार्ज हुआ है, होती हमी से है पैसा, हमें हम कोई बुक कमाते नहीं है। ये तो हम पैसा पैसा जो है पब्लिक का ही होता है। फ्री कहाँ से दिया ना? पैसा पब्लिक का ही होता है। मगर भाई देखो, तुम किसी को चुनोगे मौजूदा हाथ में चुनोगे, उनके लिए बिठा लो कुर्सी पे, तो वो तो भाई उनकी बात तो आपको मानना पड़ेगा। अच्छा बाबा, ये बताइए तो अब क्या लग रहा है, जैसे इस बार गठबंधन तरफ दलित समाज बहुत गया था, तो 27 का चुनाव भी नजदीक है, तो क्या हमारा वैसे छिटन को इस बार भी? देखो, हम किसी को बुरा नहीं कहते हैं। हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे। अपने अपने दिमाग का अलग आदमी है, समझे? अपने अपने दिमाग का है। जैसे मोदी जी जो है, वो कोई अपने दिमाग से अच्छा ही काम कर रहे हैं। हो सकता है नहीं रहे ये, हो सकता है वो भी हमारी नजरों में गलत हो, उनकी नजरों में सही हो। मोदी साहब के हैं, जिनकी नजरों में सही है, हमारी नजरों में गलत है, ठीक है ना? तो हम तो ये कह रहे हैं, जिसमें गरीब आदमी को सुकून हो वो काम होना चाहिए। तो सब इस सरकार में सुकून है गरीब आदमी को? कुछ है भी है, कुछ नहीं भी है। तो कैसे? इसलिए है कि जैसे कि जो मकान बना रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना वाले, है ना? हाँ। तो उसमें 2-2.5 लाख मिल जाता है किसी, उसको छप्पर में रहते हैं, लिंटर के नीचे सो रहे हैं, इसमें थोड़ा सुकून भी है। तो ऐसा क्या हुआ दलित समाज के लिए 2024 के नजदीक बिल्कुल गठबंधन की तरफ चला गया और भाजपा से थोड़ा मुंह नहीं सा? ऐसी बात हमने आपसे पहले ही बोल दिया था कि हमारे यहाँ पे जाड़ापुरे में वोट सभी को गया है, वोट सभी को गया। ये नहीं कि मतलब यहाँ से कैंडिडेट खड़ा नहीं, बहन जी का कोई कैंडिडेट नहीं था,
वोट जाता ही नहीं, थोड़ी इसीलिए चक्कर दिया, इसीलिए चक्कर में दिया था गठबंधन के लिए, यहाँ को टिकट नहीं मिला ना। तो 27 में क्या माना जाए, 27 बिल्कुल नजदीक है, 27 को भी देगा। अगर हम तो ज्यादातर हाथी के लिए मानते भाई, हाथी को ही देंगे, बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे, देते ही उन्हीं को बहुजन समाज पार्टी के लिए, नहीं बाकी बाकी बीजेपी को नहीं करेंगे 27 में। हो सकता है, दिमाग वाली बात है, दिमाग में घूम गए तो बीजेपी को मरता है। हर व्यक्ति चाहे चाहे बनिया हुआ तो बीजेपी को मरेगा, लोधा है वो बीजेपी को मरेगा, उनका गुलाम रह चुका है। मैं आपके समाज की बात कर रहा हूं, हमारे समाज में तो हम क्या बताएं आपको, हमने बता दिया तो मायावती सुनते, बस क्लियर बात नहीं तो बीजेपी को बिल्कुल ही आप ना 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 ऐसा क्या कर दिया आपको, तमाम मकान दिए जा रहे हैं, मकान दिए जा रहे हैं, अभी ये लोगों को पता नहीं है ना कि पैसा लेते हुए तो अच्छा लग रहा, जब ये सरकार हटेगी तब पता लगेगा कि पैसा लेते हुए तो अच्छा लगा। अरे हर नौकरी पता लगा दिया, नौकरी में बैन लगाया, शुल्क कास्ट को लिए बताइए कहाँ नौकरी किसने, इन्हीं लोगों ने लगाया। अभी आप बीजेपी गा रहे थे, मैं बीजेपी कहाँ गा रहा था, मैं तो ये कह रहा हूँ कुछ अच्छा भी है जो मकान बनवाए उन्होंने, यानी कि बेरोजगारी ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है, कोई काम धाम नहीं है। कौन सा 27 में कौन सा लेता है ऐसा विरोधी का, क्या बता देखो अब जो अपने अपना ध्येय है गठबंधन की तरफ। जी अच्छा, आप मैं देख रहा हूँ जिस तरह से आप ताश खेल रहे थे, सब लोग बता रहे हैं, तो ये चर्चा चलती है आपके समाज की। जी बिल्कुल, बीजेपी तरफ बिल्कुल कुछ ना, बीजेपी बहन जी अगर सारे अगर हाँ अगर बहन जी ने इस बार कैंडिडेट खड़ा किया होता तो वोट नहीं करता, नहीं करता 27 में। फिर क्या 27 में अगर बहन जी ने कैंडिडेट खड़ा करा तो बहन जी को वोट जाता है। अब तो देख रहा हूँ बीजेपी दलित समाज को साधने की तरह तरह की मीटिंग में चालू कर दी है, लेकिन फिर वही बात कहूंगा मैं आपसे, देखिए जो रुझाऊपन था अब नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा। क्योंकि युवा लोग बिल्कुल जागरूक हो चुके हैं, देखिए कितने बेरोजगार खड़े हुए। बिल्कुल कैमरा खोला, नौजवान से ही बात कर लेते हैं। भाई क्या नाम है आपका? पढ़े लिखे बेचारे फिर रहे हैं। मोनू सागर। मोनू सागर क्या करते भैया? मैं तो फोन पे काम करता हूँ, जल्दी ये अभी आवाज लगा रहे हैं कि बेरोजगार खड़े हैं। हाँ वैसे तो बेरोजगारी सर है, इस बात को तो मानते हैं। अच्छा रोजगार नहीं है, रोजगार सर। अच्छा सागर साहब ये बताइए, मैं ये जानना था जैसे अभी 27 जो 24 का चुनाव हुआ था इसमें बिल्कुल गठबंधन की तरफ के लिए आप लोगों को ज्यादा मन रहा दलित समाज का, अब 27 बिल्कुल नजदीक है तो क्या माना जाए, क्या बीजेपी से फिर मुंह हटेगा या दोबारा से वापसी आपका वोटर जो रहेगा? बीजेपी ने कुछ नहीं करा हमारे लिए, कुछ भी नहीं करा साहब, जो बात है। अच्छा कोरोना में कहा थाली बजाओ कोरोना भागेगा, डीजे बजाओ कि वो हो जाओ, कुछ नहीं करा उनने। अगले साहब की सरकार गठबंधन की आई है या सही आई है? इसकी सरकार सही है, हर चीज पे जीएसटी लगा रखी है। अच्छा यहाँ तक कफन तक पे जीएसटी लगा रखी है इन लोगों ने, कपड़े पे हर चीज पे, कफन तक पे, जो कफन होता है ना हम लोगों का, हम और आप सब कफन में जाते हैं लिपट के, चाहे हिंदू का चाहे मुसलमान का, उस पर तक पे जीएसटी लगा रखी है। तो फिर 27 में क्या लग रहा है आपको? देखते हैं सर जी क्या होता है। आप लोगों दलित समाज का फिर क्या मन मानना है? गठबंधन पे जाएंगे हम तो, गठबंधन हाथी बजाएंगे हम तो, मायावती खड़े हुए हाथी, हम तो हाथी वाले हैं। अच्छा अगर बहन जी अगर अलग से बुलाएंगे तो उनके लिए अंथा गठबंधन पे? हम तो मायावती के पास जाएंगे जी, हम तो उन्हीं वोट डालेंगे उन्हीं। जैसे इस बार क्या हुआ था जहाँ कैंडिडेट नहीं था, अगर बाई चांस कैंडिडेट नहीं उतार रहा है 27 में कुछ बात है सोचेंगे फिर तो, देखो फिर क्या होता है सर। बीजेपी की तरफ नहीं, बीजेपी तरफ नहीं। आपका कहना चाचा? हाँ आप कुछ कह रहे थे अभी बाबा, क्या कह रहे थे? पुलिस की भर्ती निकाली। हाँ अभी इससे पहले इलेक्शन से पहले पुलिस में जगह निकाली थी, सब फार्म उन्हें बेचे लड़कों ने, क्या काम, दो हजार रुपए, ढाई ढाई हजार रुपए, 3-3 हजार रुपए खर्च करके बेचारे आए, समझे उनके पेपर दिए और रद्द कर दिए उन्होंने, यानी कि पेपर लीक का मुद्दा बहुत बड़ा है, रद्द कर दिया, उनके पैसे बेकार गए, कोई बेचारा मकान रख के आ गया, कोई सूद पे ले गया 1000 रुपया, सारा बेकार हो गया, बताइए आप। यानी कि इस सरकार में पेपर का ज्यादा बड़ा वो है, समझो पहले कितने गरीब आदमी कहाँ से लाए, कोई उधार ले जा रहा है, कोई ब्याज पे ले रहा है रुपया कि हम, हो सकता है हमारा नंबर आ जाए, वो सब रद्द कर दिया। आप क्या दोबारा बताइए कुछ कह रहे थे आप? जी इन्होंने नौकरियां सब खत्म कर दी, सब रेलवे आपका ठेके में कर दिया। आप अपने पढ़ाई की? हाँ मैं हाईस्कूल तक पढ़ा हूँ सर, हाईस्कूल नौकरी वगैरह ट्राई की आपने? अभी लेने का भी ट्राई नहीं करा बस। अच्छा हमारे जो बहुत से भैया हैं हमारे, जिन्होंने फार्म डाल सब रद्द कर दिए, पेपर लीक हो गया, आ जाए क्या उसका, उसको कोई वापसी मिला क्या पैसा उसका? लाखों फार्म आए थे, 400-500 रुपए के फार्म, कितना पैसा गया वो सरकार? फेलियर सरकार है ये, ऐसी है भैया। भैया क्या कहो आपका, कुछ कहोगे तो फिर कोई कहना ही गलत है, कहना मतलब डर लगता है। डर क्या, डर तो सर किसी डरते नहीं, ऊपर वाले डरते हैं बस, खाली और किसे डरेंगे, बाकी मायावती सरकार अपनी बनेगी और किसी की नहीं बनेगी। बहन जी का, बहन जी, बहन जी खड़ी होंगे, बहन जी के पास जाएंगे। गुंडागर्दी इसी सरकार में तो कह रहे हैं हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। हाँ जी सबसे ज्यादा गुंडागर्दी तो इसी सरकार में, इसके अलावा तो कोई नहीं है, इससे ज्यादा गुंडागर्दी इसके अलावा किसी सरकार में नहीं है। कह रहे हैं कि हमारे इतने लॉ एंड ऑर्डर तक बहुत तुरंत ही अपराधियों पर चल रहा है,
चली ना जाए कहीं चली ना जाए कहीं। बरेली में देखो उसने करा था गोली कांड, बुलडोजर चल गया। है भी तो वो भी बीजेपी के, वो भी तो चला तो रहे हैं, तो चला तो रहे हैं। है भी है भैया, सब सियासत राजनीति है, सब ये नेता लोगों के आगे काउ भी ना चलेगी। सही बता रहा हूँ आपको, इनके सामने ना चलेगी किसी की। तो देखा ये तमाम दलित समाज के लोग हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें कहीं ना कहीं इन लोगों ने, वो बीजेपी थी उससे इन लोगों का मुंह भंग हुआ, तो गठबंधन तरफ गए। अब 27 का जो चुनाव है आने वाला, उसमें इनका साफ तौर पर कहना है अगर बहन जी की तरफ से कोई कैंडिडेट आता तब तो बहन जी को सपोर्ट करेंगे, अंतः गठबंधन की तरफ इन लोगों का अभी भी मन है और विचार है। संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।